आप लोग बहुत लकी हो कि आपको उनके जैसी गार्जियन चाहिए, हमेशा आपके बारे में सोचने वाली, आपकी मम्मी के बारे में सोचने वाली पर्सन मिली है। फादर स्टीफन, दिनेश जी, और स्मिता जी की पूरी टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि स्मिता जी के टीम की वजह से मुझे यहाँ आप लोगों से जुड़ने का, मिलने का मौका मिलता है। हमें भी हमारा बचपन याद आता है, हम भी आप ही की तरह थे, गांव में पले। आपकी जिंदगी, और सही कहा दिनेश सर ने, बचपन बहुत डिफरेंट है। जब हम छोटे होते हैं तो हम यही सोचते हैं जल्दी से बड़े हो जाए, अपने मर्जी से रहें, अपने मर्जी से सब करें, लेकिन नहीं, वो खुशी आपको नहीं मिलती है जब आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब गार्जियन के अंदर में रहते हैं, ना आपको पैसे कमाने की चिंता है, ना किसी चीज दुनिया के किसी भी टेंशन को झेलने के लिए सोचना है, उसके लिए कोई और आपके लिए है, आपका गार्जियन। चिल्ड्रंस डे की सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये आपका दिन है, आप बच्चों के लिए है, और ये दिन आपको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों के लिए बहुत सोचते थे। तो सबके लिए दिन बना हुआ है, पेरेंट्स डे मनाते हैं हम लोग, टीचर्स डे मनाते हैं, तो आज आपका दिन है, आप एंजॉय करिए। आपको कल, आप जहां हम आज खड़े हैं, कल आपको यहां खड़े होना है। जैसे हमारा घर बनता है एक एक ईंट से बनता है ना, इसी तरह समाज बनता है एक एक आदमी से। एक एक पर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए। आप सोचोगे कि मेरे से समाज को क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, आपसे बहुत फर्क पड़ेगा। मान लो आप अगर अमेरिका गए, आप किस तरह खा रहे हो, किस तरह चल रहे हो, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहां लोग बोलेंगे अरे इंडियन ऐसा होता है, आपको देख के वो हर एक इंडियन को उस तराजू में तौलता है। आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, आप अगर दिल्ली गए, वहां आपके बिहेवियर, आपका चलना, आपका बोलना, आपका रहना, वो बिहार को रिप्रेजेंट करता है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं। इसलिए हमें अच्छा बिहेव, अच्छा अपना कैरेक्टर, सोच, हर चीज अच्छा रखना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वो हमसे छोटा है, कोई ना छोटा है ना बड़ा है। छोटों को हमें प्यार करना चाहिए, बड़ों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मिलजुल के हमारे समाज में अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, हम बहुत खुश हैं, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं, बुरा लगेगा। हम भी खुश रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी खुश रहे, पूरा समाज खुश रहे, पूरा देश खुश रहे, इसमें हमें योगदान देना है, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अगर किसी को हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में परेशानी है, हमें सबसे पहले आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए। रोड में हम देख रहे हैं कोई गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, हमें सबसे पहले पहुंच के उसकी मदद करनी चाहिए। ये जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है, वैसे आपकी जो डायरेक्टर है लोक सेवा संस्थान की स्मिता जी, वो तो हमेशा इस तरह का काम करते रहती है। वो उस जगह जाती है स्मिता जहां पे शायद बहुत कम लोग जा पाते हैं, हम भी जुड़े हुए हैं समाज से, लेकिन उनको हम देखते हैं वो इंटीरियर, बहुत इंटीरियर, वो रोज एक काम करती है, तो वो बहुत बड़ी ताली आप स्मिता जी के लिए मेरी तरफ से आप लोग क्लैप करते हैं।